ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅಂದಿನ ಆ ಒಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಇಂದಿನ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. दो अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से बात, मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसी शुरुआत के हिस्से। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? बेचारी गांव की मां बहने अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं वो शौच के लिए नहीं जाता, उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसके से शुरू होती। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे। स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है, ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। ಇವಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.